It is also very important budget, very nice budget, very best budget for the middle class people, for the scheduled caste people, scheduled tribe people, for the OBC people, for the farmers, and this budget is also very nice budget. दोस्तों भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ये कहते थे कि हिस्ट्री विल बी काइंडर टू मी। अब जब भारत का बजट आ गया है, एक बेहतरीन बजट जिसमें भर भर के मिडिल क्लास को क्या दिया गया है मिडिल क्लास को ही नहीं पता, तो ऐसे में उनकी कही हुई ये बात याद आ गई। वैसे इसको बजट 2024 या बजट 2024 कहना तो कतई गलत होगा, इसको सीधा सीधा नाम देना चाहिए था मिडिल क्लास से वसूली। क्या? इसी बात पर वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब पहले कर लें। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। बजट के अगले दिन बजट को लेकर किसी अखबार ने सबसे बेहतरीन हेडलाइन अगर छापी है तो वो था दैनिक भास्कर। दैनिक भास्कर ने वही लिखा जो बजट में हुआ है, सरकार ने सत्ता का समर्थन मूल्य चुकाया। आर यू कॉमेडी मी? अब आप समझ ही सकते हैं कि दैनिक भास्कर ने ऐसा क्यों छापा। बिहार और आंध्र प्रदेश को, या हम यूं कहें कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को सबसे ज्यादा पैसा दिया गया है इस बजट में, क्योंकि सरकार ही उन्हीं की वजह से चल रही है ये। पैसा ही पैसा होगा। इन दोनों को कुल मिलाकर 41,000 करोड़ रुपीज दिए गए हैं। मतलब कुल मिलाकर ये जो कुर्सी बचाओ या जो सरकार बचाओ बजट है, वो सरकार को 41,000 करोड़ का पड़ा है। एक तेरा, एक मेरा, दो तेरा, दो मेरा, तीन तेरा, बराबर, तीन मेरा, बराबर, 50-50 बराबर है, एवरीथिंग ओके, ओके, हैप्पी, वेरी हैप्पी, नो चीटिंग, नो चीटिंग। भाई अगर चीटिंग लगता है तो कैलकुलेटर ये कैलकुलेट कर ले भाई। मतलब ठीक है कि ये प्रधानमंत्री सरकार बचाओ योजना चल रही थी, लेकिन उड़ीसा, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों ने क्या किया है भैया? मध्य प्रदेश ने तो 29 की 29 सीटें ही बीजेपी को दी थी, उसके बाद भी जो स्पेशल पैकेज है वो बिहार और आंध्र प्रदेश को दिया गया है। और ये मध्य प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ वाली लिस्ट में आप मिडिल क्लास को भी जोड़ ही लीजिए, क्योंकि मैं चूतिया हूँ, मेरा दिमाग चूतिया है। मतलब मिडिल क्लास पहले 30% इनकम टैक्स देगा, उसके बाद ऑलमोस्ट हर चीज जो आप खरीदते हैं उसके ऊपर 12-18% या उससे भी ज्यादा GST देगा। उसके बाद जब आप कार वगैरह खरीदते हैं तो खरीदते ही आपको हजारों लाखों के हिसाब से रोड टैक्स देना है। उसके बाद जब आप उसी कार को रोड पर लेके निकलेंगे जिसका रोड टैक्स आप पहले ही चुका चुके हैं, तो आपको उस रोड पर टोल टैक्स अलग देना है, 2.5 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से। यही नहीं, अभी और सुनिए, 12.5% से 20% तक आपको LTCG और STCG अलग से देना है। इन सब के बाद एज अ मिडिल क्लास आपको मिल क्या रहा है? वो तो शुक्र मनाइए कि भैया इस बार के बजट में सरकार ने ये अंबानी वेडिंग सेस नहीं जोड़ दिया, वरना वो भी हम ही चुकाते। कहां ले चलूं? जहन्नुम में। बिहार को 26,000 करोड़ मिल गए, आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ मिल गए, मिडिल क्लास को मिला एक टाइट स्लैप और क्रोनीज को मिल गई मोदी की गारंटी। बाकी राज्यों के लोग तो बस खिड़की से ताकते ही रह गए। अब आप ये भी सुन लीजिए कि किन किन जरूरी चीजों पर टैक्स बढ़ गया है। डिविडेंड पर, फिक्स डिपॉजिट पर, अगर आप घर खरीद रहे हैं तो उस पर, पेट्रोल पर, दही पे, दूध पर, स्टॉक्स की तो आप बात ही छोड़ दीजिए, PF पर, पेंसिल और बुक्स पर, सिनेमा हॉल पर, नाई की दुकान पर, हेल्थ इंश्योरेंस और स्कूटर, इन सभी चीजों पर टैक्स बढ़ गया है। और जो चीज बढ़नी चाहिए उसमें कटौती हो रही है। शिक्षा मंत्रालय के बजट में 7% की कटौती हो गई है, मुबारक हो। वहां सरकार कह रही है कि सरकार ने टैक्स रिजीम में कुछ बदलाव करके आपके 17,500 रुपए बचा लिए हैं। क्या कीजिएगा इस धनराशि का? अब जब आपके 17,500 रुपए बच गए हैं तो आप क्या करेंगे? जाहिर सी बात है, इन्वेस्ट करेंगे, कहीं ना कहीं स्टॉक्स में करेंगे, म्यूचुअल फंड में करेंगे, FD में करेंगे, कहीं तो करेंगे। तो वहां से जो आप कमाएंगे उसमें भी आपको टैक्स देना पड़ता है, वो भी सरकार ने बढ़ा दिया है। तो ये बचा कुछ नहीं है, अल्टीमेटली जा सब सरकार के पास ही रहा है।
लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 10% से बढ़ाकर 12.5% कर दिया है। आप जो भी पैसा कमाएंगे स्टॉक से, म्यूचुअल फंड से, उसमें ज्यादा हिस्सा टैक्स में जाएगा। अरे भाई एक रुमाल देना मनीष, देखो मैं रो नहीं रहा हूँ, मैं खुशी में मेरे आंसू निकल रहे हैं। मतलब मेरा तो 3 सेकंड का रिएक्शन है कि ये बजट कैसा था। मतलब बजट इतना खतरनाक हैगा कि सुधीर चौधरी भी अब खुद को नहीं रोक पा रहा है बजट के खिलाफ बोलने से। इसलिए आप लोग आज से ही सोच सकते हैं कि आप हर महीने इस 650 रुपए की बड़ी रकम का क्या करेंगे, आप इसे कहां इन्वेस्ट करेंगे, इससे क्या खरीदेंगे, क्या आप इससे नई गाड़ी खरीदेंगे, कोई नया बड़ा स्मार्टफोन खरीदेंगे, क्या इससे मकान खरीदेंगे, क्या इससे कोई जमीन का टुकड़ा खरीदेंगे, या महंगे महंगे कपड़े खरीदेंगे। लेकिन आज से ही आप अपना निवेश प्लान कर लीजिए, क्योंकि आज से एक बहुत बड़ा वर्ग है मध्यम वर्ग, जिसे 650 रुपए का फायदा होगा हर महीने, 850 रुपए का होगा, और एक वर्ग तो ऐसा भी है जिसे 1500 रुपए महीने का फायदा होगा। तो अब आप प्लान कर लीजिए कि इस पैसे को आप कहां निवेश करने वाले हैं। वैसे मेरे पास एक ट्रिक है जिससे आप अपना 30% वाला जो इनकम टैक्स है वो बचा सकते हैं। 3 लाख से कम कमाइए। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का जय, लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।